विकास परिषद का संगठन है और अभी बहुत से लोग और भी आ रहे हैं इस संगठन में शामिल होने के लिए। और अभी कुछ लोग आए, हवा भी बहुत तेज चल रही है और हमें कैंडल मार्च लेके निकलना है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। जो नहीं है और जो है उनके लिए प्रार्थना करनी है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आप लोग इधर आ जाइए और अब आगे आगे पीछे हो गए। एक ऐसी संस्था है जो कभी भी देश के ऊपर कोई आपदा आती है या समाज में कोई घटना हो जाती है उसमें अपना सहयोग देती है। ट्रेन हादसे के संबंध में हम लोग जितनी कैजुअल्टी हो गई है लगभग 250 आदमी की जान गई है, लगभग 2000 लोग अभी भी घायल हैं, उसमें पता नहीं कितने बचेंगे। चूँकि इतनी दूरी है हम लोग वहाँ जाके कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और जो लोग घायल हैं वो स्वस्थ होकर अति शीघ्र अपने घर पहुंचे। भारत विकास परिषद हमेशा कोई कार्य करता है। 2016 में अगर ध्यान हो आपको, पोखरा में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, उसमें हम तीन लोग केवल गाड़ी में सामान खाने का भर के ले गए वहाँ पे, जो लोग घायल थे पानी दिया उनको खाने को दिया और किसी को अगर घर ले आने की व्यवस्था करा पाए तो कराया। तो आपकी संस्था ही ऐसी संस्था है, कभी इसमें कोई अपना पर्सनल व्यक्तिगत वो इंटरेस्ट नहीं रहता है, कोशिश होती है समाज की सेवा करना। आपकी शाखा काफ़ी दिन से कोई कार्य नहीं किया था लेकिन अचानक एक ऐसा हादसा आया कि जिसमें हम लोग को ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। धन्यवाद। ये सारा संगठन है जो एक नेक कार्य के लिए आगे बढ़ रहा है और सब हम साथ में हैं। ये हमारा भारत विकास परिषद और कृष्णा शाखा की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है जिसमें आज हम दुर्गा मंदिर तक मार्च करेंगे, कैंडल मार्च, और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हवा तेज चल रही है। चलो चलती जाओ। चलो 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 चलो। कैंडल लग रही है।
में जला लीजिए, है ना। और अभी क्या अंदर साथ में हो जाएंगे, बहुत शुक्रिया। हमारी कृष्णा शाखा कानपुर ने आज ये कैंडल मार्च निकाला है। बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसमें लगभग 288 लोग दिवंगत हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं, वो जल्दी ठीक हों, स्वस्थ हों, इसकी कामना करने के लिए आज ये कैंडल मार्च कृष्णा शाखा भारत विकास परिषद द्वारा निकाला गया। आपका क्या नाम? राजेश ऋषि। कैंडल मार्च क्यों निकाला गया? कैंडल मार्च जो दुखद दुर्घटना हुई है जिसमें 288 लोगों की उड़ीसा के बालासोर में मृत्यु हुई है, हम इस कामना से निकले हैं कि परिवार के उनके परिवार के सदस्यों को इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं, और टीचर उनको इस दुख को सहने की क्षमता दे, और जितने भी लोग घायल हुए हैं उनको उनकी जल्दी से जल्दी स्पीडी रिकवरी हो, ऐसी हम और हमारे सभी साथी ऐसी कामना करते हैं। मैं माया सचान कृष्णा शाखा की ओनर। मैं दिनांक 2 तारीख को जून को जो हादसा हुआ है, 3 ट्रेनों की भिड़ंत हुई है, उस हादसे में जो मृतक आत्मा है उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं, और जो घायल हैं उनके लिए भी हम दुआएं कर रहे हैं कि वो जितनी जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने परिवारजनों से मिले और सब खुश रहें, और हम लोग जो भी उनके लिए कर सकते हैं करेंगे। हमारी संस्था हमेशा ऐसे कामों में आगे रहती है और कोशिश करेंगे कि हमारी शुभकामनाएं और सुविधाएं जो भी हम उनको देना चाहें वो उन तक पहुँचे। धन्यवाद। कहना क्या है, बस ये चाहते हैं कि समाज और जो आसपास के हमारे लोग हैं वो हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। जो हादसा हुआ उसको लेकर आज सबके मन में बहुत दुख है, जो हादसा इस तरीके का नहीं होना चाहिए था, वो लापरवाही से हुआ, किससे हुआ आप हम लोग नहीं जानते, लेकिन जो लोग इसमें गए हैं उनका परिवार बहुत दुखी है, या जो हॉस्पिटल्स में हैं उनका परिवार उनसे भी ज़्यादा दुखी है कि वो कब वापस आएंगे। तो बस यही ये कामना है ईश्वर से, इसीलिए इस मंदिर में आके रुके हुए हैं कि उनसे कामना करेंगे कि जो हैं वो जल्द से जल्द अपने घर जाएं स्वस्थ होकर और अपने परिवार वालों से मिल सकें। जैसा कि आपने देखा यहाँ फूल दे दीजिए थोड़ा हम लोगों को भी। हाँ भी नहीं आप जल्दी उतनी मना लीजिए। हाँ बस मैम एक मिनट सर, आप लोग पीछे हो जाइए, वीडियो बनना है, आप पहले का नाम ले लीजिए। आप सभी लोग आज यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हुए श्रद्धांजलि सभा में, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।